बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो है मेथी दाने की सब्ज़ी। मेथी दाने की सब्ज़ी बहुत ही आसानी से हम कैसे तैयार करेंगे, जिस तरह मैं घर में तैयार करती हूँ, बनाती हूँ, बस यही स्टाइल आपसे आज शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने मेथी दाने को 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था और अब मैंने इनको 15 से 20 मिनट के लिए उबाल दिया है और इनको मैंने खुले बर्तन में खुले पानी में उबाला है और ये बहुत अच्छे से उबल चुके हैं। अब मैं इनका पानी फेंक दूंगी क्योंकि इसमें सारी कड़वाहट मेथी दाने की आ चुकी होगी। तो बस अब मैं ये पानी फेंक कर जो आगे काम करती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। उबले हुए मेथी दाने का पानी मैंने फेंक दिया है क्योंकि उसमें कड़वाहट होती है और एक ये सादा और साफ पानी में इस पर डाल रही हूँ ताकि इनकी सारी कड़वाहट दूर हो जाए। मेथी दाने की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और ऑयल मैंने लिया है 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा। इस गर्म होते हुए ऑयल में मैं डाल दूँगी ये 2 अदद मैंने दरमियानी साइज़ के प्याज लिए और इनको स्लाइस में कट कर लिया और इनको मैं इसमें डाल दूँगी। प्याज के कुछ नरम होते ही मैं इसमें डाल दूंगी 2 अदद हरी मिर्चें जो कि मैंने बारीक कट कर ली हैं, ये भी इसी में डाल दूंगी ताकि ये भी थोड़ी सी इसी में पक जाएं। प्याज के कुछ नरम हो जाने पर मैं इसकी आंच को थोड़ा सा धीमा करूंगी और डाल दूंगी इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पिसी हुई। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पिसी हुई डालने के बाद या 1/2 टीस्पून में डाल दूंगी इसमें हल्दी पाउडर। 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैंने नमक लिया है और नमक भी मैं इसी में डाल दूंगी। 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, ये भी मैं इसी में शामिल कर दूंगी और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी जो कि हमारे ये मसाले जलने नहीं देगा और मैं मसाले को थोड़ा सा भून लूँ। ये देखें आप कि प्याज हमारी पूरी गोल्डन नहीं हुई है, हल्की भी गोल्डन मैंने नहीं किया इसको और इसमें सारे मसाले डालकर पानी डाल दिया है और अब मैं ये अच्छा सा मसाला भून लेती हूँ, उसके बाद दोबारा आपको दिखाती हूँ। मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है तो अब मैं डालूँगी इसमें ये उबले हुए मेथी दाने जिनको मैंने उबाल कर रखा है और इनको थोड़ा सा मैं हिला लूँगी। मेथी दाने तकरीबन मैंने 100 ग्राम लिए थे और इनको 2 घंटे के लिए भिगोकर और उसके बाद मैंने इनको 15 से 20 मिनट के लिए उबाल लिया था। तो ये मैंने मसाले में ऐड कर दिए हैं और साथ ही डाल दूंगी ये चने की दाल जो कि मैंने 125 ग्राम ली। 1 घंटा पहले मैंने इसको उबाल लिया, 1 घंटा भिगोकर और इसे मैंने उबाल लिया, ये भी अच्छी तरह से हमारी पक चुकी है, दाल भी इसमें पकी हुई है और मेथी दाने भी। और बस हमें इस मसाले में इसे अच्छी तरह से अब भूनना है ताकि ये मेथी दाने का कड़वाहट जो है ये भी ख़त्म हो जाए। मैं घर में इसी तरह से ये डिश बनाती हूँ, बहुत शौक़ से खाई जाती है मेरे घर में और बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी है ये। आप ज़रूर ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह हमारे बस तैयार होने को हैं मेथी दाने। मैंने इसमें चने की दाल भी ऐड की है, अगर आप चाहें तो चने की दाल ना डालें, सिर्फ मेथी दाने ही आप पका सकते हैं, लेकिन मुझे चने की दाल मेथी दाने में बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं इसलिए ज़रूर इसमें शामिल करती हूँ। ये सब्ज़ी बहुत आसानी से तैयार होने वाली है, बस मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लूँ, इंशाल्लाह फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, बस मेरी ये तैयार है, मैंने इसको भून भी अच्छी तरह से लिया है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये सिंपल सी रेसिपी, सादा सी और आसान सी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी दीजिएगा, साथ ही साथ बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह अगली और नई रेसिपी में आपसे फिर मिलूँगी,
तब तक मुझे दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।